बिमिल रहीम असल डेयर स्टूडेंट्स आई होप आल ऑफ यू विल बी फाइन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ टॉपिक जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 जनरल इलेक्शंस आम इंतबात 1970 के द जनरल इलेक्शंस फॉर द नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बलीज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेम ऑर्डर 1970 के जो आम इंतबात थे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के वो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 के मुताबिक करवाए गए एज दीज वर द फस्ट एलेक्शन इन दिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जैसा कि ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इंतबात थे बेस्ड ऑन एडल्ट वोटिंग जो के, किस बुनियाद पर थे एडल्ट वोटिंग की बुनियाद पर या फिर जवान इसमें जो थे या बालग अफराद इसमें जो हिस्सा ले रहे थे देर फोर देयर वॉज द ग्रेट एथीसिज्म इन द पब्लिक फार दिज इलेक्शन इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा जो शोखरोश पाया जाता था इन इंतबा को लेकर ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसपेट इन दिस इलेक्शंस तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया इन इंतबात में द अवामी लीग एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर वेरी पॉपुलर अमंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जितनी भी बड़ी बड़ी सियासी जमातें थीं उनमें एक अवामी लीग और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मशहूर थी पीपल्स पार्टी चैंटेड द स्लोगन ऑफ ब्रेड क्लॉथिंग क्लॉथिंग एंड शेल्टर के जो पीपल्स पार्टी थी उसने नारा बुलंद किया रोटी कपड़ा और मकान का विच बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल जो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ एज रिजल्ट आफ इलेक्शन रिजल्ट के जो इंतबात के रिज़ल्ट थे या जो नतज थे उसके नतीजे में दवामी लीग इमर्ज एज द ओनली मेजॉरिटी पार्टी विच हैड वन वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन ऑफ द थ्री हंड्रेड जनरल सीट्स आफ द सीट नेशनल असम्बली जो अवामी लीग थी वो एक ऐसी जमात थी जो उभरी वोट लेकर वन हंड्रेड सिक्सटी सेवन वोट लिए थ्री हंड्रेड में से जनरल सीट्स पर आम सीटों पर जो कि कौमी असम्बली की थी द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन एटी वन सीट्स पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एटी वन सीट्स इसमें हासिल की ऑल दर पार्टीज़ वर एबल टू विन ओनली थर्टी सेवन सीट्स आफ द नैशनल असम्बली जितनी भी बाकी सियासी जमातें थीं वो सिर्फ थर्टी सेवन सीट्स ले सकी कौमी असम्बली में द रिजर्ट ऑफ द प्रोविशल असम्बलीज़र नाट डिफरेंट जो सूबाई असम्बलीओं के नतज थे वो भी इससे मुख्तलफ नहीं थे अवमी लीग वन टू हंड्रेड एटी एट ऑफ द थ्री हंड्रेड जनरल सीट्स इन द ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान में आम जो जनरल सीट्स थी उन पर जो अवामी लीग थी वो कामयाब हुई टू हंड्रेड एटी एट सीट्स पर आउट ऑफ थ्री हंड्रेड में से पाकिस्तान पीपल पार्टी वन मेजॉरटी इन दा प, इन पंजाब एंड सिंध जो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी उसको अक्सरियत मिली पंजाब और सिंध में वायल नेशनल अवामी पार्टी एन ए पी एंड जम जमयतमा इस्लाम गॉट मेजोरटी इन एन डब्ल्यू एफ पी खैबर पखतूनखा एंड बलोचिस्तान के जो नेशनल अवामी पार्टी थी और जमात इस्लाम की जो पार्टी थी उसने अक्सरियत हासिल की एन डब्ल्यू एफ पी में और बलोचिस्तान में द रिज़ल्ट ऑफ़ दीज इलेक्शंस मेड इट क्लियर डेट द अवामी लीग वुड फॉर्म अ गवर्नमेंट इन देंटर जो नताई थे उन्होंने बिल्कुल वाज़ कर दिया कि जो आवामी लीग है वो हकूमत बनाएगी मरकज़ में वेस्ट पाकिस्तान पोलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोसी वर कंसर्नड कि जो मगरबी पाकिस्तान के सियासी लीडर थे और जो ब्यूरोसी थी नौकरशाही थी उसको इस बारे में तहफसात थे बिकॉज द मैनीफेस्टो ऑन विच द अवामी लीग हैडन वाज अनएक्सेप्टेबल टू द पोलिटिकल लीडरशिप ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि जो अहलामिया था अवामी लीग का जीतने के लिए वो नाकबले कबूल था सियासी लीडरों को लिए जो कि मगरबी पाकिस्तान के थे देर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ़ पावर्स टू द न्यू गवर्नमेंट वॉज डिलेड इसलिए जो ताकत क्या की जो ट्रांसफ़र थी या दूसरों को देना था अवामी लीग जो कि जीती भी थी उनको वो ना दिया गया और वो डिले हो गया तखिर का शिकार हो गया रिज़ल्टिंग इन अ वेव ऑफ़ कंसर्न इन ईस्ट पाकिस्तान जिसके नतीजे में एक जो है वो गैर यकीनी की जो लहर थी वो इस पाकिस्तान में पैदा हो गई जनरल जाया खान ख़ानल टॉक्स विद द हेड ऑफ़ अवामी लीग जनरल जाया खान ने बातचीत की जो हेड थे सरबरा थे अवामी लीग के शेख मुजीबरहन बर्दीज डिड नाट सक्सीड लेकिन ये कामयाब ना हुए देयर आफ्टर आ सिवल वार सिचुएशन डिवेल्प इन द ईस्ट पाकिस्तान इसके बाद जो एक सिवल वार की सूरत हाल है वो पैदा हो गई ईस्ट पाकिस्तान में बेंगालीज जेंटेड स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट विद द हेल्प ऑफ प्रो इंडियन ऑर्गनाइजेशन मुक्ती बहनी के जो मुक्ति बहनी एक तहरीक थी जिसको इंडिया सपोर्ट कर रहा था उनकी मदद से जो बंगाली थे उन्होंने नारा बुलंद कर दिया आज़ाद रियासत का मुक्ति बहनी पाकिस्तान आर्म फोर्स हैड टू इंटरवें टू क्रश द रिवोल्ट के जो पाकिस्तान की अफवाज थी वो वहाँ गई दाखिल हुई ताकि ख़त्म की जा सके बगावत दिस दस ब्लडीटूड्स बिगेन इन ईस्ट पाकिस्तान इस तरह से खूनी फसदात शुरू हो गए मशरकी पाकिस्तान में सप्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इमरजेंस ऑफ बंग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान की की और उसका उभरना बंग्लादेश का ठीक है मतलब ये कि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान का जो एक विंग था हिस्सा था वो अलग हो गया और उसके बाद वो हिस्सा उभरा बांग्लादेश की सूरत में एज अ रिज़ल्ट ऑफ द नाइनटीन सेवेंटी व्हेन द अवाी लीग हैड वन द मेजोरटी इन द ईस्ट पाकिस्तान Uh, के जो रिज़ल्ट थे 1970 के इंतबात के उसमें क्या था कि जो अवामी लीग थी उसने अक्सरीत हासिल की मशरकी पाकिस्तान में एंड द रफ़ द कंट्री वर नाट हैंडेड ओवर टू द अवा लीग लेकिन को जो मुल्क की बाग दौड़ थी वो ना दी गई उनके हाथों में अवामी लीग के एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिवेल्प इन द ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो एक पैदा हो गई टू कंट्रोल दिस सिचुएशन इस सूरत हाल को काबू करने के लिए कंट्रोल करने के लिए चीफ मार्शल ला एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जाया खान डिक्लेयर्ड एमरजेंसी देयर कि जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जनरल याया ख़ान उन्होंने एमरजेंसी का ऐलान किया द पाकिस्तान आर्मी ट्राई टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कि पाकिस्तान की जो अफवाज थी उन्होंने अमन की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की बट दचुएशन कैप्टन डिटोरिएटिंग डे बाई डे एज द आर्गनाइजेशन कार्ड मुक्ति वाज बिजी स्प्रेडिंग रोर्स देयर कि जो सूरतल थी वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी क्योंकि जो तंजीम थी मक्ती बहानी के नाम से वो लगातार मसरूफ़ थी फैलाने में जो है वो फसाद अंडर दी सरकमस्टेंस इन हालात में ऑन मार्च फिफ्टीन नाइनटीन सेवेंटी वन पंद्रह मार्च उन्नीस सौ निकहत्तर में जुल्फ़्कार अली भुटो जनरल ज़ाया ख़ान एंड शेख मुजिबरहान मैट इन ढाका टू रेस्टोर पीस अमन की बहाली के लिए ढाका में मिले जुल्फकार अली भुट्टो भी याया ख़ान भी और शेख मुजीबरहन भी द निकोट एंड विदाउट एनी रिज़ल्ट इनकी जो बातचीत गुफ्तगुत थी वो ख़त्म होगी बगैर किसी नतीजे के ड्यू टू द टेंथ सिचुएशन इस जो है वो परेशानी की सूरत हाल में मिलियन्फ़ बेंगालीज़ बिगेन माइग्रेटिंग टू तो इंडिया जो बहुत ज़्यादा तादाद थी मिलियंस की लाखों जो बेंगाली थे उन्होंने हिजरत शुरू कर दी या जाना शुरू कर दिया बंगाल से इंडिया की तरफ इंडिया ऑफिशली अनाउंस टू हेल्प द बंगालीज उसने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि वह बंगालियों की मदद करेगा द इंडियन आर्मी प्रोवाइडेड वेपन्स टू द रेबल रेबल्स uh, के जो बागी थे उनको हथियार मुहैया किए गए इंडियन आर्मी की वजह की तरफ से एंड स्टार्टेड ट्रेनिंग दम और उनको बाकायदा तरबियत दी गई विच वर्स एंड सिचुएशन जिसने सूरत हाल को और ज्यादा बदतर कर दिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जनरल या खान सेंट मोर ट्रूप टू ईस्ट पाकिस्तान जनरल याया खान ने मज़ीद वक्त भेजे मशरक़ी पाकिस्तान में विद द रिजल्ट डेट पाकिस्तान आर्म कैंड कंट्रोल ऑफ द मेजर ऑफ मोस्ट ऑफ द एरिया के इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जो अफवाज थी उन्होंने हासिल किया कंट्रोल या कब्ज़ा बहुत से इलाके पर गिवन द सिचुएशन इंडिया अटैक ईस्ट पाकिस्तान सूरत हाल को देखते हुए इंडिया ने क्या किया कि इस पाकिस्तान पर हमला कर दिया विद तिट आर्म फोर्सेस अपनी मुसलाफवाज अफवाज के साथ द पाकिस्तान आर्मी इन ईस्ट पाकिस्तान कंटेंड द इंडियन फोरस फॉर टू वीक्स कि जो पाकिस्तान की अफवाह थी उन्होंने मशरक पाकिस्तान में इंडियन फोरस को टू वीक्स तक दो हफ्तों तक उन्होंने उनको रोके रखा या उनसे मुकाबला किया वेन दे रेन आउट ऑफ सप्लाईज़ जब उनको सप्लाई ना मिली एंड नो मोर एड और मज़ीद उनको जो है वो एड ना दी गई कुड रिज फ्राम वेस्ट पाकिस्तान जो कि मगरबी पाकिस्तान से पहुंचना थी इंडिया सक्सीड इन इट्स इट्सरियस डि इंडिया अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया दस दिसंबर सिक्सटीन नाइनटीन सेवेंटी वन सिक्सटीन दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी वन में ईस्ट पाकिस्तान गॉड सेपरेटेड ईस्ट पाकिस्तान या मशर्की पाकिस्तान हमसे अलग हो गया एंड बिकेम एंड इंडिपेंडेंट कंट्री बाय द नेम ऑफ बंग्लादेश और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया बंग्लादेश के नाम से